Hey, I'm Megha and today I'm going to make veg cutlets. These veg cutlets are very crispy from out and very flavorful from inside. So let's make it in Bengali sweet style today. So to make veg cutlets, the first step is to take one chili, which is finely chopped, along with the coriander leaves. Secondly, we have to take 2 onions and make it finely chopped. Third, we have to take 2 cups of poha. Fourth, a long melon which is finely grated. Fifth, we have to take some suji. And sixth, 5 to 6 potatoes which are boiled. Now here comes the seasoning, about 1 tablespoon of coriander powder, 2 tablespoons of red chili powder, approx 1/2 tablespoon of salt, 1/4 tablespoon of chaat masala, 1/4 tablespoon of amchur powder. Now, in these boiled potatoes, we have to mix all the seasonings which we have taken: poha, now the long melon, now suji. Now we have to add the chopped onions. And the last ingredient is the finely chopped chilies with the coriander leaves. Give a good mix to it. To make a dough, you can also add turmeric powder to it. Now, after mixing it well, we have to add 2 tablespoons of oil in it. So, here it is ready. Now it's time to take it. So, here I'm taking some portion of it for taste. So, mine is perfect. If required, you can adjust the seasoning. For a cutlet, you can make it into any shape. Today I am going for this kind of shape. Similarly, we will make rest of all. Now the cutlets are ready. Now we are going to deep fry it. You can also shallow fry or bake them according to you. So here we have the oil and hot and ready. So I am going to drop them and deep fry them. Fry for 3 to 4 minutes on the medium flame. Now see, perfect in shape and color as well. Now it's time to take them out. So, the cutlets are very very crispy from out and flavorful from inside. I'm sure you will love it. I know it's very old recipe, but old is gold. Happy munching. Thank you. आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी स्प्रिंग रोल। मैगी स्प्रिंग रोल बाहर से जितने क्रिस्पी होते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये सारी मैगी स्प्रिंग रोल बनाने की सामग्री है। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, उसमें अजवाइन डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और नमक डालेंगे 1/4 चम्मच। फिर पानी से आटा बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मैदा भून लिया है। मैदा इतना सॉफ्ट भूनना है। अब हम इसे ढक के रख देंगे। अब हम मैगी बनाना स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे, मिर्च डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा टमाटर डालेंगे और फ्राई करेंगे। अब हम गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच। हम चूर डालेंगे। अब हम हल्दी डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 चम्मच मिर्ची डालेंगे, मैंने पहले से 1 चम्मच मिर्ची ले रखी है। और अब हम इस सब कुछ डालेंगे। अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच सॉस डालेंगे
और अच्छे से हिला देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से हिला लेंगे। अब हम मैगी डालेंगे और 2 कप पानी डालेंगे। आप 2 कप भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं। मैं 2 कप डाल दूंगी। नूडल्स मसाला डालेंगे जो उसके साथ में आता है और उसको अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए मेरी मैगी तैयार हो चुकी है। आपकी मैगी ऐसी होनी चाहिए, सूखी सूखी सी। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम भुना हुआ मैदा लेंगे और इसकी लोई बना देंगे। अब हम इसे पतला बेल लेंगे। ऐसे एक और हम बेल लेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारे स्प्रिंग रोल बनाते वक्त ये आटा चिपके ना, हमारी 2 बेली हुई चिपके ना। अब हम इसे ऊपर ही रखेंगे और हम इसे वापस थोड़ा बेल लेंगे। हमने रोटी बना ली है, अब हम तवा लेंगे और ये रोटी सेक लेंगे। और भूरी भूरी हो चुकी है, अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे अलग कर लेंगे। अब हमने पहले ऑयल लगाया था, इस वजह से आसानी से अलग हो गए थे। अब हम इसके रोल्स बना लेंगे। इसके अंदर हमारी पहले तैयार की हुई मैगी डालेंगे। इसकी पेटी अब हमें ना मैदा और पानी का घोल बनाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, तलते हुए ये खुले ना। अच्छे से लगा लीजिए। ये देखिए हमने 2 पेटीज हमारी तैयार कर ली है। अब हम इन्हें तलेंगे, जिसके लिए हम लेते हैं। अब हम थोड़ा तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने के लिए रख दी। ये तेल गर्म हो गया है हमारा। अब हम हमारी पेटीज को इसके अंदर तलने के लिए रख देंगे। ये जब तक भूनी हो जाती तब तक इन्हें तलेंगे। जैसे देखे जा रहा है कि ये पक चुके हैं, भूरे हो चुके हैं। पीछे से दिखा लेती हूँ एक बार। ये देखिए अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि सारा तेल सोख ले टिश्यू पेपर। इसको बीच में से काट लेंगे। ये देखिए मैगी की फिलिंग। देखिए हमारी पेटी पक्की बन के तैयार हो गई है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। अब सर्व करने के लिए हम प्लेट तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी नमकीन भी खा सकते हैं। ये मेरे क्रिस्पी स्प्रिंग रोल तैयार है। थैंक यू। Good morning all of you. So today we are going to make a starter dish. So these are all ingredients which I am going to use in my starter dish. Actually my dish contains 3 steps, the base, the middle and the top. So we are first making the base. So we need, this is my potato, I will boil this. These are fresh breads. This is Amul processed cheese, then this is cottage cheese and this is freshly bread crumb. And this is my cornstarch batter in which I have added black pepper and salt. So first we will start by boiling our potatoes. So I have pressure cooker in which I have added my potatoes and I will now add water. So pressure cooker, now I will give it a pressure and we will wait for 3 whistles. By performing, we will perform 2 tasks at one time. So here I turn on the gas and this side I want to boil my sweet rice. I am making very simple sweet rice. I will use this as a stuffing. So now my potatoes are boiling, so I have prepared this plate. See, this is my cottage cheese which I have grated. This is bread and this is cheese which I have grated. I will mix the potatoes and this all the things so that I can make a base. Now this is my flour.
that I will use for make momos. You must be thinking that what type of momos. So here is the answer that why I am boiling rice. I am making a new type sweet rice momos. When my tomato was boiling, I made the dough. The dough is semi-soft and I will keep this dough until I make the momos. So I will cover it. Now I will peel the skin for my potatoes and mix with this. I have taken cheese, cottage cheese and bread. Now I will peel the skin of the potato and mix with this and prepare the base. Potatoes and make it a base. We should remember that we are making a spicy base. So this is the base of our starter. We are making in I am making in different piece, so it will look attractive. So but one thing we should remember that it should be hollow from center because we will put some filling in this. So we can shape it any, but it should be hollow. So now we are on the second last stage and we are going to finish our dish. I made few momos. The size and the shape of this momos I think is very different because we are making a different dish. So let's see. First we will as I said, it will be a rice momo. So here are the rice which I have folded. These are cold rice. It will get stuffed more easily. So now we will just close the ending. Yes. And now we will just cut it. And make a bottom at the end so that it could stand. Now my steamer is ready, so I will put my momos in steamer and wait for around 15 to 20 minutes. Half of the time I will put my base to fry. My oil is hot. Now I am preparing the middle part. I have taken the butter and finely chopped and we will mix it together. We will make this sauce. The butter is a salted one, so the middle part will be salty. So our base will be spicy, our top will be sweet and middle part will be salty. Now it's plating time. We are on the last stage, so here we will put butter or filling in it and fill it. I have fried this and now just we will put on it top and place it. And we will do this for all. It's look texture wise good. We will simply put on the top and we will place it. It's look delicious and ready to serve now. This is very tasty because it contains beef flavor at one time only. It contains sweet, salty and spicy flavor. So the name which I have given to this dish is salty, sweet, salty and spicy triangle cone. Thank you. I hope you enjoy this video. Today I am going to cook a starter dish which name as the Mishti Sambidana with curd. So first of all, we have to soak the sambidana for the 2 to 3 hours. And on the other side, let the milk boil for 2 to 3 minutes. The quantity of the milk should be 2 cups. Now add the sugar, as much you like sweet. Now add sambidana to the milk. Now cook the sambidana until it's prepared and cooked properly. After 10 to 12 minutes the sambidana is cooked well. Now we are ready for our recipe. Now we are showing you the ingredients which I will be using to make the dish. We use the tutti frutti, kesar, kishmish, badam slices,
and a pinch of elaichi powder. Fruits, like you can add any fruits. I have the two one, the mango and the grapes. I use the one bowl of the curd and sugar powder. Let's start it. Now we have the sabudana which is completely soaked with the milk, and we have the sabudana with the measurement of this spoon, 2 spoons. Now we add grapes to the fruits, some mangoes, 1 tablespoon tutti frutti, 1 spoon raisins or kishmish, 1 spoon chopped badam, almonds, a pinch of elaichi powder, cardamom, 2 tablespoon sugar. You can add the sugar as much you like the sweet. Mix it well. Now we add some chopped mangoes. Now our dessert starter. Now our recipe is ready. I am Lakshmi Gorana. मैं बनाने जा रही हूँ potato bites. उसके लिए मुझे चाहिए potatoes, मेथी, tomato puree, मिर्ची, छोले का जो है मैंने मैश कर दिया है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जीरा और मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और धनिया पाउडर. पहले हम आलू कट करेंगे, उसमें से फिलिंग निकाल देंगे. इस फीलिंग को हम बाद में यूज कर लेंगे. इसको बीच से कट कर देंगे जिससे ये स्टेबल हो जाए. ऐसे 1 चम्मच तेल डालेंगे. तेल आ गया, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, पकी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, धनिया, हल्दी, धनिया पाउडर. इसको मिक्स कर लेंगे. अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे. टमाटर भी डालेंगे. इसको थोड़ा बेक करेंगे. अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे. अब इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे. अब गरम मसाला डालेंगे. अब इसमें पानी डालेंगे. अब इस पूरे पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देंगे. अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे. इसको अच्छे से बेक
मिक्स कर देंगे। ये बैटर रेडी है, अब इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड कर देंगे और ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको इस कोल में फिल कर देंगे। अब इस बैटर को इस पोटैटो में फिल कर देंगे लाइक दिस। इसके लिए थोड़ा सा केचप, धनिया पत्ता लगा देंगे, प्लेट में सर्व कर देंगे और पोटैटो बाइट्स रेडी है। पोटैटो बाइट इज डन। नमस्ते, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया कैबेज क्रश। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, वो हैं ये टोस्ट का किया हुआ चूरा है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये किसा हुआ पनीर है, ये कॉर्नफ्लोर है, चीज, शिमला मिर्ची, ऑलिव्स और ये हमारे स्पाइसेस हैं जिनमें हमने चिली फ्लेक्स, मिर्ची, नमक, धनिया और चीज रखा है। और ये कुछ टूथपिक्स हैं जो हमारे बाद में काम आएंगे। ये है सोयाबीन की बड़ी जिसको मैंने भिगो करके आधा घंटा छोटे टुकड़े करके रखा था, वो कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास है कैबेज जिसको मैंने पूरा किस के उसका पूरा रस निकाला है और फिर उसका रस निकाल कर मैंने इसको ड्राई करने को 15 में छोड़ दिया। ये हमारे पास है मैश पोटैटो और अब हम शुरू करेंगे हमारी रेसिपी। यहाँ हमने एक बर्तन में ऑयल लिया है, आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। तो अब मैं गैस ऑन करती हूँ, यहाँ पर मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा ऑयल बढ़ाऊंगी। अब जब तक ये गैस गर्म हो रही है हम थोड़े इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कैबेज थी उसमें हम लोग सबसे पहले मिलाएंगे वेट सोया, मैश पोटैटो, स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पनीर विच इज मैश्ड, इसको मैंने पहले किस लिया था और फिर बाद में थोड़ा सा मैश भी किया था, और फिर हम इसे मिला रहे हैं टोस्ट का चूरा। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमने इसको पूरी तरीके से मैश कर लिया है तो फिर अब हम इसकी बॉल बनाएंगे। ऐसे इनकी बॉल्स बनाएंगे। अब हमारी स्पाइसी न्यूट्रिशियस बॉल्स रेडी। अब इन बॉल्स को हम कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे और फिर उसके बाद जो हमने टोस्ट का चूरा किया था उसको कोटिंग करेंगे। ऐसे हम सारी बॉल्स का कर देंगे। अब जो ये बॉल्स हमने कोट कर दी हैं, अब हम इनको हमारे बर्तन में डालेंगे। एक बार में 4 से ज्यादा बॉल्स ना डालिएगा बिकॉज वो बेटर रहेगा। हमने ये जो रेसिपी बनाई है ये 100% डाइट पीपल के लिए है और ये 100% न्यूट्रिशियस है। इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर सेकेंगे हम। अब हम इन बॉल्स को बाहर निकाल रहे हैं।
यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर इसलिए लगाया है ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा सोक हो जाए, क्योंकि 100% हेल्दी डिश है इसके लिए। और ये हमारी बॉल्स तैयार। अब मैं ये फ्रेश टूथपिक्स निकालूंगी। टूथपिक्स में फिलिंग करेंगे चीज, कैप्सिकम और ऑलिव। और इसे तैयार करके रखते जाएंगे। इसके बाद हम बॉल्स इसमें लगाएंगे। सॉस और मायोनीज सर्व करेंगे। यहाँ मैंने मायोनीज और सॉस सर्व किया है और ये थोड़े एक्स्ट्रा फिलिंग्स। और अब हमारी सोया कैबेज क्रश तैयार। आप इसको डायरेक्ट खा सकते हैं, पर एक बार मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और यम्मी फिलिंग है इसकी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey foodies, welcome. I am Pragya Dadach and here I'll show you how to make veg gravy manchurian. It just seems like you have added some water to the dried version of manchurian. Now let's begin. So here in a mixing bowl, I have taken 2 to 3 cups of grated cabbage. In this I'll be adding a medium sized onion which is finely chopped. Add some salt according to the taste and to add some black pepper. This is also according to the taste. Mix it well. Now here I'll be adding some garlic and ginger paste. Now you need to do mix it well. As these vegetables contain some water in it, so to bind it or to make a like flour, we need to add 3 to 4 tablespoons of corn flour and maida to it. Here I have added 3 to 4 tablespoons of maida, which is plain flour, and corn flour. Now you need to just mix it well. So here you can see that all the vegetables are finely combined with each other, and now it is ready to make the balls. You can make manchurian balls of any size you like. Here it goes. It is like the ball. You can make it. It's made. As you can see, the balls are looking very nice. Cunning balls. Make sure that you add it by sides. So here I am showing you a trick that how to make sure that whether they are fried or not. Just tilt the kadhai or pan like this and you will see the balls moving. After you see this, the balls are moving, only then take the frying pan in your hand. So the balls are fried. We'll take them out. So here we are done with the manchurian balls part. Here you can see they are looking very nice, fluffy from inside and crispy from outside. So moving to the gravy part. Here took 2 to 3 tablespoons of oil in a kadhai and the finely chopped 3 to 4 green chilies
add 1 cup of cabbage. And 1 medium size finely chopped onion. Let them get completely fried. Fry it up to 1 minute. And then we'll be adding some sauces to it. Here I am adding the Szechuan sauce. Red chili sauce. 1 tablespoon. And the soya sauce. All the sauces are 1 tablespoon. We'll be adding 1 tablespoon of ketchup here. Mix it well. You can see it's smelling very nice. So as we are making the gravy Manchurian, we'll be adding 2 to 3 cups of water to it. At a room temperature water, guys, you can also add some hot water to it. Here I am adding just room temperature water. We are done with the gravy, guys. So it's time for serving. Here I'll be taking some Manchurian balls. Just add some gravy to it. You can also garnish it with some cabbage or cheese as you wish. So here, our delicious veg gravy Manchurian is completed. You can see. So to make veg cutlets, the first step is to take 1 chili, which is finely chopped, along with the coriander leaves. Secondly, we have to take 2 onions and make it finely chopped. Third, we have to take 2 cups of poha. Fourth, a long melon, which is finely grated. Fifth, we have to take some suji. And sixth, 5 to 6 potatoes, which are boiled. Now, here comes the seasoning. About 1 tablespoon of coriander powder. 2 tablespoons of red chili powder. Approximately 1/2 tablespoon of salt. 1/4 tablespoon of chaat masala. 1/4 tablespoon of amchur powder. Now, in these boiled potatoes, we have to mix all the seasonings which we have taken. Poha, now the long melon, now suji. Now we have to add the chopped onions. The last ingredient is the finely chopped chili with the coriander leaves.
give a good mix to it. To make a dough, you can also add turmeric powder to it. Now, after mixing it well, we have to add 2 tablespoons of oil in it. So here it is ready. Now it's time to take it. So here I'm taking some portion of egg for taste. So mine is perfect. If required, you can adjust the seasoning. Or cutlet, you can make it into any shape. Today I'm going for this kind of shape. Similarly, we will make rest of all. Now the cutlets are ready, now we are going to deep fry it. You can also shallow fry or bake them according to you. So here we have the oil and hot and ready. So I'm going to drop them and deep fry them. Fry for 3 to 4 minutes on the medium flame. Now see, perfect in shape and color as well. Now it's time to take them out. So, the cutlets are very very crispy from out and flavorful from inside. I'm sure you will love it. I know it's very old recipe, but old is gold. Happy munching. Thank you. आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी स्प्रिंग रोल। मैगी स्प्रिंग रोल बाहर से जितने क्रिस्पी होते हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये सारी मैगी स्प्रिंग रोल बनाने की सामग्री है। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, उसमें अजवाइन डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और नमक डालेंगे 1/4 चम्मच। फिर पानी से आटा बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मैदा भून लिया है। मैदा ऐसा सॉफ्ट भूनना है। अब हम इसे ढक के रख देंगे। अब हम मैगी बनाना स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे, मिर्च डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा टमाटर डालेंगे और फ्राई करेंगे। अब हम गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच। हम चूर डालेंगे। अब हम हल्दी डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 चम्मच मिर्ची डालेंगे, मैंने पहले से 1 चम्मच मिर्ची ले रखी है। और अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच सॉस डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम मैगी डालेंगे और 2 कप पानी डालेंगे। आप 2 कप भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं। मैं 2 कप डाल दूंगी। नूडल्स मसाला डालेंगे जो उसके साथ में आता है और उसको अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए मेरी मैगी तैयार हो चुकी है। आपकी मैगी ऐसी होनी चाहिए, सूखी सूखी सी। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम भुना हुआ मैदा लेंगे और इसकी लोई बना देंगे। अब हम इसे पतला बेल लेंगे। ऐसी एक और हम बेल लेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारे स्प्रिंग रोल बनाते वक्त ये आटा चिपके ना, हमारी दो बेली हुई पूरिया चिपके ना। अब हम इसके ऊपर ही रखेंगे और हम इसे वापस थोड़ा बेल लेंगे। हमने रोटी बना ली है, अब हम तवा लेंगे और ये रोटी सेक लेंगे। और भूरी भूरी हो चुकी है, अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे अलग कर लेंगे। अब हमने पहले ऑयल लगाया था, इस वजह से ये आसानी से अलग हो गए थे। अब हम इसके रोल्स बना लेंगे। इसके अंदर हमारी पहले तैयार की हुई मैगी डालेंगे। इसकी पेटी
अब मेरा मैदा और पानी का घोल बनाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, तलते हुए ये खुलेगा। अच्छे से लगा लीजिए। देखिए हमने दो पेटीज हमारी तैयार कर ली है, अब हम इन्हें तलेंगे। इसके लिए हम अब हम थोड़ा तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने के लिए रख दी। ये तेल गर्म हो गया है हमारा, अब हम हमारी पेटीज को इसके अंदर तलने के लिए रख देंगे। ये जब तक तो भूरी नहीं हो जाती तब तक इन्हें तलेंगे। जैसे देखे जा रहा है कि ये पक चुके हैं, भूरे हो चुके हैं, पीछे से दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि सारा तेल सोख ले टिश्यू पेपर। इनको बीच में से काट लेंगे। ये देखिए मैगी की फिलिंग हमारी पेटीज पक्की बन के तैयार हो गई है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। अब सर्व करने के लिए हम प्लेट तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी नमकीन भी खा सकते हैं। ये मेरे क्रिस्पी स्प्रिंग रोल तैयार है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ स्टार्टर डिश। सो दीज आर ऑल इंग्रेडिएंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू यूज इन माय स्टार्टर डिश। एक्चुअली माय डिश कंटेन थ्री स्टेप, द बेस, द मिडल एंड द टॉप। सो वी आर फर्स्ट मेकिंग द बेस। सो वी नीड, दिस इज माय पोटैटो, आई विल बॉइल दिस। दीज आर फ्रेश ब्रेड, दिस इज अमूल प्रोसेस्ड चीज, देन दिस इज कॉटेज चीज एंड दिस इज फ्रेशली ब्रेड क्रम्ब। एंड दिस इज माय कॉर्न स्टार्च बैटर इन विच आई हैव एडेड ब्लैक पेपर and salt. So first we will start by boiling our potatoes. So I have pressure cooker in which I have added my potatoes and I will now add water. So pressure cooker now I will give it a pressure and we will wait for 3 whistles. By performing we will perform 2 tasks at one time. So here I turn on the gas and this side I want to boil my sweet rice. I am making very simple sweet rice. I will use this as a stuffing. So now my potatoes are boiling, so I have prepared this plate. See, this is my cottage cheese which I have grated, this is bread and this is cheese which I have grated. I will mix the potatoes and this all the things so that I can make a base. Now this is my flour that I will use for make momos. You must be thinking that what type of momos. So here is the answer that why I am boiling rice. I am making a new type sweet rice momos. When my tomato were boiling, I made the dough. The dough is semi-soft and I will keep this dough until I make the momo. So I will cover it. Now I will peel the skin for my potatoes and mix with this. I have taken cheese, cottage cheese and bread. Now I will peel the skin of the potato and mix with this and prepare the base. Potatoes and make it a base. We should remember that we are making a spicy base. So this is the base of our starter. We are making in I am making in different piece so it will look attractive. So but one thing we should remember that it should be hollow from center because we will put some filling in this. So we can shape it any but it should be hollow. So now we are on the second last stage and we are going to finish our dish. I have made few momos. The size and the shape of this momos I think is very different. Because we are making a different dish. So let's see. First we will as I said it will be a rice momo. So here are the rice which I have the golden. These are cold rice. It will get stuffed more easily. So now we will just close the ending. Yes.
and now we will just cut it. And make a bottom at the end so that it could stand. Now my steamer is ready, so I will put my momos in steamer and wait for around 15 to 20 minutes. Half of the time I will put my base to fry. My oil is hot. Now I am preparing the middle part. I have taken the butter and finely chopped, and we will mix it together. We will make this sauce. The butter is a salted one, so the middle part will be salty. So our base will be spicy, our top will be sweet, and middle part will be salty. Now it's plating time. We are on the last stage, so here we will put butter or filling in it and fill it. I have fried this and now just we will put on it top and place it. And we will do this for all. It's look texture wise good. We will simply put on the top and we will place it. It's look delicious and ready to serve now. This is very tasty because it contains three flavors at one time only. It contains sweet, salty and spicy flavor. So the name which I have given to this dish is salty, sweet, salty and spicy triangle cone. Thank you. I hope you enjoy this video. Today I am going to cook a starter dish which name as the yeasty sabudana with curd. So first of all, we have to soak the sabudana for the 2 to 3 hours. And on the other side, let the milk boil for 2 to 3 minutes. The quantity of the milk should be 2 cups. Now add the sugar as much you like sweet. Now add sabudana to the milk. Now cook the sabudana until it's prepared and cooked properly. After 10 to 12 minutes, the sabudana is cooked well. Now we are ready for our recipe. Now we are showing you the ingredients which are we using to make that dish. We use the tutti frutti, kesar, kishmish, badam slices, and a pinch of elaichi powder. Fruits like you can add any fruits. I have the two one, the mango and the grapes. I use the one bowl of the curd and sugar powder. Let's start it. Now we have the sabudana which is completely soaked with the milk, and we have the sabudana with the measurement of this spoon, 2 spoons. Now we add grapes to the fruits, mangoes, 1 tablespoon tutti frutti, 1 spoon raisins or kishmish, 1 spoon chopped badam almonds, a pinch of elaichi powder, cardamom, 2 tablespoon sugar. You can add the sugar as much you like the sweet. Mix it well. Now we add some chopped mangoes. Now our dessert starter. Jamatadi. Now our recipe is ready. मैं बनाने जा रही हूँ पटेटो बाइट्स. उसके लिए मुझे चाहिए पटेटोस, मेथी, टमाटर प्यूरी, मिर्ची,
छोले का जो है मैंने मैश कर दिया है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जीरा और मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और धनिया पाउडर। फिर हम आलू कट करेंगे, उसमें से फिलिंग निकाल देंगे। इस फिलिंग को हम बाद में यूज कर लेंगे। इसको बेज से कट कर देंगे जिससे ये स्टेबल हो जाए। ऐसे एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल आ गया। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, धनिया, हल्दी, धनिया पाउडर, इसको मिक्सिंग कर देंगे। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे, टमाटर ग्रेवी डाल देंगे, इसको थोड़ा बेक करेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, अब इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे, अब गरम मसाला डालेंगे, अब इसमें पानी डालेंगे, आलू डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, इसको अच्छे से बेक कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ये बैटर रेडी है, अब इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये तो ब्लेंड कर देंगे और ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको इस कोन में फिल कर देंगे। अब इस बैटर को इस पटेटो में फिल कर देंगे लाइक दिस। डिश के लिए थोड़ा सा केचप, धनिया पत्ता लगा देंगे, प्लेट में सर्व कर देंगे और पोटैटो बाइट्स रेडी है। पोटैटो बाइट इज डन। नमस्ते, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया कैबेज क्रश। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, वो हैं ये टोस्ट का किया हुआ चूरा है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये किसा हुआ पनीर है, ये कॉर्नफ्लोर है, चीज, शिमला मिर्ची, ऑलिव्स, और ये हमारे स्पाइसेस हैं जिनमें हमने चिली फ्लेक्स,
मिर्ची, नमक, धनिया और चीज रखा है। और ये कुछ टूथपिक्स हैं जो हमारे बाद में काम आएंगे। ये है सोयाबीन की बड़ी, जिसको मैंने भिगो करके आधा घंटा छोटे टुकड़े करके रखा था, वो कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास है कैबेज, जिसको मैंने पूरा किस के उसका पूरा रस निकाला है, और फिर उसका रस निकाल कर मैंने इसको ड्राई करने को 15 में छोड़ दिया। ये हमारे पास है मैश पोटैटो, और अब हम शुरू करेंगे हमारी रेसिपी। यहाँ हमने एक बर्तन में ऑयल लिया है, आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। तो अब मैं गैस ऑन करती हूँ, यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा ऑयल बढ़ाऊंगी। अब जब तक ये गैस गर्म हो रही है, हम थोड़े इंग्रीडियंट्स मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कैबेज थी, उसमें हम लोग सबसे पहले मिलाएंगे वेट सोयास, मैश पोटैटो, स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पनीर विच इज मैश्ड, इसको मैंने पहले किस लिया था और फिर बाद में थोड़ा सा मैश भी किया था, और फिर हम इसे मिला रहे हैं टोस्ट का चूरा। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमने इसको पूरी तरीके से मैश कर लिया है, तो फिर अब हम इसकी बॉल बनाएंगे। ऐसे इनकी बॉल्स बनाएंगे। अब हमारी स्पाइसी न्यूट्रिशियस बॉल्स रेडी। अब इन बॉल्स को हम कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमने टोस्ट का चूरा किया था उसको कोटिंग करेंगे। ऐसे हम सारी बॉल्स का कर देंगे। अब जो ये बॉल्स हमने कोट कर दी हैं, अब हम इनको हमारे बर्तन में डालेंगे। एक बार में चार से ज्यादा बॉल्स ना डालिएगा, बिकॉज वो बेटर रहेगा। हमने ये जो रेसिपी बनाई है, ये 100% डाइट पीपल के लिए है, और ये 100% न्यूट्रिशियस है। इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर सेकेंगे हम। अब हम इन बॉल्स को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर इसलिए लगाया है ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा सोक हो जाए, क्योंकि ये 100% हेल्दी डिश है इसके लिए। और ये हमारी बॉल्स तैयार। अब मैं ये फ्रेश टूथपिक्स निकालूंगी। पिक्स में फिलिंग करेंगे चीज, कैप्सिकम और ऑलिव। और इसे तैयार करके रखते जाएंगे। इसके बाद हम बॉल्स इसमें लगाएंगे। अब हम सॉस और मायोनीज सर्व करेंगे। यहाँ मैंने मायोनीज और सॉस सर्व किया है, और ये थोड़े एक्स्ट्रा फिलिंग्स। और अब हमारी सोया कैबेज क्रश तैयार। आप इसको डायरेक्ट खा सकते हैं, पर एक बार मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और यम्मी फिलिंग है इसकी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey foodies, welcome. I am Pragya Dadach, and here I'll show you how to make veg gravy manchurian. It just seems like you have added some water to the dried version of manchurian. Now let's begin.
So here in a mixing bowl, I have taken 2 to 3 cups of grated cabbage. In this, I will be adding a medium sized onion, which is finely chopped. Add some salt according to the taste, and to add some black pepper. This is also according to the taste. Mix it well. Now here I will be adding some garlic and ginger paste. Now you need to do mix it well. As these vegetables contain some water in it, so to bind it or to make a like flour, we need to add 3 to 4 tablespoons of corn flour and maida to it. Here I have added 3 to 4 tablespoons of maida, which is plain flour, and corn flour. Now you need to just mix it well. So here you can see that all the vegetables are finely combined with each other, and now it is ready to make the balls. You can make Manchurian balls of any size you like. So here it goes. It is like the ball. You can make it. It's made. As you can see, the balls are looking very nice. Turning balls. Make sure that you add it by sides. Here I am showing you a trick that how to make sure that whether they are fried or not. Just tilt the kadhai or pan like this and you will see the balls moving. After you see this, the balls are moving, only then take the frying pan on your hand. So the balls are fried. We'll take them out. So here we are done with the Manchurian balls part. Here you can see they are looking very nice, fluffy from inside and crispy from outside. So moving to the gravy part. Here took 2 to 3 tablespoons of oil in a kadhai and the finely chopped 3 to 4 green chilies. Now add 1 cup of cabbage. And 1 medium size finely chopped onion. Let them get completely fried. Fry it up to 1 minute. And then we'll be adding some sauces to it. Here I am adding the Szechuan sauce. Red chili sauce, 1 tablespoon. And the soya sauce. All the sauces are 1 tablespoon. We will be adding 1 tablespoon of ketchup to it. Mix it well. You can see it's smelling very nice. So as we are making the gravy Manchurian, we will be adding 2 to 3 cups of water to it. It is room temperature water, guys. You can also add some hot water to it. Here I am adding just room temperature water. We are done with the gravy, guys.
So it's time for serving. Here I'll be taking some Manchurian balls. Just add some gravy to it. You can also garnish it with some cabbage or cheese as you wish. So here, our delicious veg gravy Manchurian is completed. You can